Community Live, a platform to sharing your thoughts. आगे पीछे ऊपर नीचे जिधर भी देखो चूहे चूहे भी वो ऐसे चूहे बिल्ली को खा जाएं, कुत्ते उनसे डर कर भागे चीले जान बचाएं। तो चूहों से घबराकर राजा ने किया ऐलान कि जो इनसे पीछा छुड़ाए वो पाए ढेर सारा इनाम। तो सुनकर ये ऐलान वहां पर पहुंचा एक मदारी, मस पलंदर नाम था उसका, मुंह पर लंबी दाढ़ी। नमस्कार, आदाब, सिटी लाइफ के सभी दोस्तों का एक बार फिर से खैर मकदम है। और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान, जो कि हिंदुस्तान की राजधानी में दिल्ली में इस वक्त कयाम कर रही हैं, वो वहीं रहती हैं, लेकिन अभी आप लोगों से मुलाकात के लिए, आप लोगों से बात करने के लिए खास तौर से हमारे साथ में हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि हिंदुस्तान जो है वो त्योहारों का, उत्सवों का मुल्क है, और हर उत्सव हर त्योहार के पीछे एक कहानी होती है, एक दास्तान होती है, और वो दास्तानें हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत ही अहम किरदार निभाती हैं, इतना ज़बरदस्त कि हम उन कहानियों पर यकीन करते हुए आज सैकड़ों साल बाद भी उन परंपराओं को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं, उन्हें निभाते हैं और अपनी ज़िंदगी में उधारते हैं। हमारी पूजा पाठ के तरीके, हमारी इबादत के तरीके, हमारे सारे त्यौहार मनाने के तरीके इन सारी दास्तानों के साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त जुड़ाव है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो ये बात थी, ये मौजू मैंने इसलिए ठहराया क्योंकि हमारे साथ जो आज मेहमान हमारे साथ हैं, पूरी दुनिया के अंदर फौजिया दास्तान गो के नाम से जानी जाती हैं। फौजिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। तो फौजिया के बारे में अर्शद साहब और सिटी लाइफ का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फौजिया पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम दास्तान गोई का एक ऐसा नाम है जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान के परचम को ऊपर उठाया है, बल्कि दास्तान गोई की एक आर्ट, जिसके लिए कहा जाता है कि थोड़ा सा पिछले कुछ दिनों से बड़े सगीर में कमजोर पड़ी है, उसको वापस एक ताकत दी है, एक आवाज दी है। और पूरी दुनिया के अंदर आप जा रही हैं, आप सऊदी अरब गई हैं, आप, मैं कितने मुल्कों का नाम ले सकता हूँ, बहुत सारी जगह गई हैं, और हमारी खुशकिस्मती यह है कि जयपुर भी कई बार आई है। तो फौजिया, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये दास्तान गोई की ये जो आर्ट है, ये जो कला है, ये कहाँ से चालू हुई, इसकी हिस्ट्री क्या है? और मेरा दूसरा सवाल ये है, जो आप कहें चाहें तो मैं अलग से पूछ लूंगा, लेकिन दूसरा सवाल ये है कि आपके मन में ये जज्बा, ये ख्याल कैसे आया कि आप दास्तान गोई करें? तो अर्शद साहब, सबसे पहले तो मैं बहुत ही आम हिस्ट्री और उसके बारे में बहुत ही आम अल्फाजों में मैं कहूंगी, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो बहुत ही लेमैन है। तो ये दास्तान गोई एक ऐसा फन है जिसमें दास्तानें सुनाई जाती हैं, उर्दू में दास्तानें खासतौर से सुनाई जाती थी, और ये 16वीं सदी में था। इस वक्त अकबर के महल में कहते हैं कि जैसे बहुत सारे उनके बहुत सारे लोग होते थे, तो उसमें एक दास्तान गो भी होता था। मिर्जा गालिब ने एक जगह लिखा कि आज मुझे तिलिस्म होशरुबा के 3 दफ्तर मिल गए, शराब की बोतल मिल गई, मुझे जिंदगी से और क्या चाहिए। तो ये दास्तान गोई का फन इतना ज्यादा पुराना है, और आज के दौर में हम ये बात बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं जब हम सब लॉकडाउन हैं, हम सब घर में हैं। उस जमाने में जब टीवी नहीं था हमारे पास, या जब हमारे पास रेडियो नहीं था, तो लोग जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठते थे और ये दास्तानें शुरू होती थी। वो कई कई दिन, कई कई महीने और कई कई साल चला करती थी। लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कि ये दास्तानें कभी खत्म नहीं होती थी, तो ये तिलिस्म होशरुबा की दास्तानें हो सकती थी। तिलिस्म होशरुबा, तिलिस्म यानी जादू, होशरुबा यानी वो जादू जो आपके होश उड़ा दे। तो इसमें वाकई में ऐसी ही दास्तानें हैं जिसमें अय्यार हैं, जिसमें जादूगर हैं, जिसमें एक विलन है, अफरासियाब है, इसमें लड़ाई हो रही है। असल में अमीर हमजा जो है अफरासियाब से लड़ रहे हैं। अफरासियाब जैसे हमारी फिल्मों में होता है, वो एक बुराई करता है, अमीर हमजा अच्छाई के लिए लड़ रहे हैं। तो वो पूरी दास्तानें हैं। और एक बार मीर बाकर अली जो कि आखिरी दास्तान गो थे 1928 में, जिनका इंतकाल हुआ, उनसे किसी ने पूछा एक बार कि क्या आपने कभी ये जिल्दें खत्म की हैं, क्योंकि ये जिल्दें 46 वॉल्यूम्स में हैं। और 46 वॉल्यूम्स मतलब सोचिए, इसमें एक में तकरीबन 1000 पेजेस हैं, यानी कि 46000 पेजेस जी। तो लोगों ने उनसे पूछा कि कभी आपने इसे खत्म किया है? तो उन्होंने कहा हाँ, जिंदगी में एक बार।
तो ये वो दास्तानी थी जो, और मैं एक बहुत ही इसका एक, जैसे जब मुझसे लोग पूछते हैं कि भाई ये दास्तान होते नहीं थे क्या, ये कैसे इतनी लंबी लंबी दास्तानें चलती थी, तो उस जमाने में दास्तान गोयों का एक बूता होता था जो कि मैं समझती हूँ मुझमें नहीं है, वो एक जगह आके दास्तान रोकते थे। दास्तान रोकने जी का एक एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करूंगी कि जैसे दास्तान में एक दूल्हा है जो कि दुल्हन की सेज की तरफ बढ़ रहा है और दास्तान को वो दास्तान सुना रहा है, दास्तान में ये सीन आया है। अब दूल्हा जैसे ही दास्तान सेज की तरफ बढ़ रहा है, अब जनाब दास्तान गो ने दास्तान रोकी और उसने बयान करना शुरू करे, क्या दुल्हन की खूबसूरती, उसके नाक, उसके कान, उसके होंठ, उसके बाल, उसकी बालियां, उसकी पोरें, उसकी उंगलियां। जनाब 2 दिन हो गए और दास्तान गो सिर्फ दुल्हन की खूबसूरती बयान कर रहा था। तो लोगों ने जी कहा भाई 2 दिन हो गए, जो ऑडियंस सुन रही थी इसकी घूंघट तो उठा दे। तो ये बूता था उन लोगों का। तो मैं हमेशा जब भी दास्तान जी सुनाती हूँ मैं कहती हूँ आप घबराइए नहीं, हम दास्तान नहीं रोकेंगे, क्योंकि भाई, जी और वो फिल्मबदी दास्तान कहते थे, फिल्मबदी यानी ऑन द स्पॉट, उसी वक्त, जैसे हम लोग जो है हम लोग स्क्रिप्ट याद करते हैं, स्क्रिप्ट को याद करके हम सुनाते हैं, थोड़ा बहुत हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं मगर बेसिकली हमें स्क्रिप्ट याद होती है। तो वो बूता तो भाई बहुत था, और हम आज के दास्तान गो हैं, हम कंटेम्प्रेरी दास्तान गो हैं। तो ये था सवाल दास्तान गोई के बारे में, अगर मैं समझा पाई हूँ कि एक आम आदमी को दास्तान गोई होती क्या है। नहीं, और बिल्कुल हाँ, इसमें बिल्कुल एक और एग्जाम्पल है अलिफ लैला की, जिन लोगों ने कहानियां पढ़ी हैं, अरेबियन नाइट्स पढ़ी हैं, ये उसी का एक फॉर्म है, उसी तरह की दास्तानें हैं। अब अलिफ लैला आपने कहा, इससे मुझे याद आया कि मैं अक्सर जब अपने इवेंट्स के लिए आपका प्रपोजल देता हूँ कि जी हम दास्तान को ही करवाते हैं, तो हाँ अमूमन मेरे क्लाइंट्स क्या, मेरे जो साथी इवेंट मैनेजर्स हैं, उनमें भी उन्हें लगता है कि सर ये तो अरेबियन नाइट सुनाएंगी, ये तो अलादीन की हाँ कहानी सुनाएंगी, अलिफ लैला सुनाएंगी, हातिम ताई सुनाएंगी, तो क्या ये कहाँ तक सच है? क्या ये चीजें यहीं तक महदूद हैं या इसका दायरा बड़ा है कुछ? देखिए, जब हम तिलिस्म होशुरबा, जब दास्तानें शुरू हुई थी तो जाहिरी बात है उस वक्त शुरू में तिलिस्म होशुरबा से ही दास्तान सुनाई गई थी। लेकिन जाहिरी बात है हर चीज इवॉल्व होती है वक्त के साथ साथ, अगर वो दास्तान वो होते आज तो वो भी इवॉल्व करते। तो जब हमने अपना काम शुरू किया खास तौर से, तो मैंने और दानिश अकबाल ने, जो कि मेरे राइटर और डायरेक्टर हैं, हम दोनों ने जब ये काम शुरू किया तो हमने खास तौर से वो कहानियां उठाई जो कि लोग उसे जान सके, जैसे हम महाभारत करते हैं उर्दू में करते हैं, हमने दास्तान बहुत गांधी बढ़िया, की है उर्दू में की है, हमने दास्तान राधा कृष्ण की है उर्दू में की है, हमने मैं एक खाका सुनाती हूँ घूमी कबाबी का, लोगों को बहुत पसंद आता है, वो दिल्ली की जबान के बारे में है, दिल्ली की बोली ठोली के बारे में है। और हमने अभी एक, और स्पेशली जो बच्चों के लिए मैं काम कर रही हूँ वो सारा पोएटिक बेस्ड है। तो अभी तक तो जो कंटेम्प्रेरी हमारा काम है उसमें हमने सारा कंटेम्प्रेरी काम ही किया है, इवन मैंने मेंटल हेल्थ को लेके दास्तान गोई में काम किया है। ये मेरा एक जी बहुत जी बड़ा, मतलब मैं एज ए टूल की तरह इसे इस्तेमाल कर रही हूँ। जी नहीं, मतलब मेंटल हेल्थ के अंदर आप क्या, मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आप इसे इलेबोरेट करें। असल में ये एक लिडिविन कॉलेज है, वहां पे होम साइंस में एमएससी होता है, तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा फौजिया ये हमारी मेंटल हेल्थ एक, मतलब एक सेमेस्टर है और इसमें आप आके इन बच्चों के साथ जो कि फील्ड वर्क करते हैं, केस स्टडीज इकट्ठा करते हैं और उन्हें कैसे हम दास्तान गोई के फॉर्मेट में सुना पाए। तो बेसिकली दास्तान गोई क्या है, कहानी सुनाने का एक फन है, उसे उर्दू में सुनाया जाता है। तो हमने वो केसेस, रियल कहानियां मैंने उन बच्चों से ही लिखवाई, उसके स्क्रिप्ट जो केस स्टडीज आए थे उनको हमने कहानी के फॉर्म में लिखा। हाँ, तो देखिए दास्तान गोई की जो स्क्रिप्ट होती है वो आम कहानियों के स्क्रिप्ट से, हमारी जो स्क्रिप्ट है खास तौर से जो दानिश अकबाल की और हमारी स्क्रिप्ट है वो खास तौर से अलग है, क्योंकि हम उसमें बहुत पोइट्री का इस्तेमाल करते हैं, हमारी जो प्रोज होती है वो भी बहुत ज्यादा रिदम में होती है और ऐसा लगता राइमिंग है भी कि होती है। राइमिंग भी होती है। तो मैंने उन बच्चियों से, मैंने ये नहीं कहा कि दानिश इकबाल इसके स्क्रिप्ट लिखेंगे, मैंने कहा आप ही लिखो बेटा। तो उन्होंने कहा मैम हम कैसे लिखेंगे, मैंने कहा कोशिश करो। तो वाकई में उन बच्चियों ने इतनी बेहतरीन वो स्क्रिप्ट लिखी और फिर वो उन्होंने परफॉर्म करी, कम से कम हमने 6 ग्रुप बनाए थे और उन्होंने, जैसे डिप्रेशन है ठीक है, डिप्रेशन की कोई कहानी, उसको एक केस स्टडी, उसको हमने कहानी के फॉर्म में किया। उसका रीजन ये था क्योंकि जब भी आप मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो लोगों को ये लगता है कि खासतौर से जो मैंने बहुत, मेरे दिल के बहुत करीब है ये सब्जेक्ट, और लोग कहते हैं कि अरे इसको तो कुछ करा दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है, लोग मानते ही नहीं है कि मेंटल हेल्थ कोई इशू है। तो वो या बंदा या उसे आइसोलेट कर देते हैं बिल्कुल कि इसके साथ तो कुछ गड़बड़ है, या उससे दूर भागने लगते हैं। तो
मैं हमेशा कहती हूँ कि जैसे हम थायराइड की गोली रोज खा सकते हैं, जैसे हम शुगर की गोली रोज खा सकते हैं, तो अगर कोई मेंटल हेल्थ के लिए दवाई खा रहा है तो वो पागल नहीं है। हाँ, तो बेसिकली सेंसिटाइज करने के लिए हमने इस टूल को इस्तेमाल किया था उस वक्त, और उन बच्चियों ने बहुत अच्छा काम किया, मेरी अंडर गाइडलाइंस काम किया, और वो बहुत ही, मैं समझती हूँ कि एक आम लड़कियां जो कि ना उर्दू से, हाँ एक और चीज जो आपने कहा कि तो उर्दू में ही कहानियां सुनाएंगी, उर्दू में उनकी कोई कमांड नहीं थी, तो उन्होंने हिंदुस्तानी में वो दास्तानें, वो कहानियां लिखी थी और वो पेश करी, लोगों को बहुत पसंद आई। क्योंकि देखिए, कहानी एक ऐसा जरिया है अर्शद साहब, कि जब भी हम कोई बात कहानी के जरिए कहते हैं तो वो हमारे दिल को छू जाती है। ये हमारे, हम हिंदुस्तानियों में है, उसमें एक इमोशनल टच होता है, उसमें प्यार होता है, उसमें दुख होता है, और खासतौर से जब वो कोई रियल कहानी हो तो वो हम और भी ज्यादा उससे रिलेट करते हैं। और दास्तान गोई में ये एक ऐसा फन है जिसमें आप जो भी कहानी आप सुना रहे हैं उसकी तस्वीर आपके साथ बनेगी, हमारा डिस्क्रिप्शन भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ऐसे दास्तान को हमारे पास कोई सेट नहीं है, हम पीछे, ऐसा नहीं है कि हम दास्तान भारत कर रहे हैं तो महाभारत का सेट हमारे पीछे बदलता जाएगा। अगर जंग का बिल्कुल कोई डिस्क्रिप्शन है तो वो हम ऐसे दास्तान को हमें अपनी आवाज से और अपनी स्क्रिप्ट से ही उसे बताना होगा। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। मेरे यहाँ पे कुछ जरा सा और भी आमदोरफ्त चल रही है। जी मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ आपसे कि आपने उर्दू के अलावा कौन कौन सी और लैंग्वेजेस के अंदर इसके ऊपर काम किया है, दास्तान आपने? अच्छा जी, मैंने राजस्थानी कहानियां करी हैं खास तौर से, और बहुत उसमें बढ़िया। उसमें मैंने विधान दी था कि 2-3 कहानियां की हैं, दूजो कबीर मैंने किया है। और लेकिन उसमें अभी तक जो हमारा जो खास काम है वो ये है कि लोग कहते हैं अरे महाभारत उर्दू में, ये कैसे हो सकता है? तो हमने महाभारत तो सुनी है, हमने दास्तान राम सुनी है, जी हमने दास्तान राधा कृष्ण सुनी है, मगर जब लोग उसे उर्दू में सुनते हैं, और देखिए उसमें जो हम पोइट्री इस्तेमाल कर रहे हैं वो काफी पुरानी लिखी हुई है, ऐसा नहीं है कि वो दानिश अकबाल ने लिखी है, बाकायदा उसे रिफर करते हैं कि नजीर बनारसी ने कहा तो क्या कहा। तो जितने भी शायर हैं उन्होंने कहा तो क्या कहा, उन्होंने कोट करके पुरानी पुरानी शायरी को जो कि महाभारत राधा कृष्ण राम के लिए लिखी गई है, खासतौर से उर्दू में लिखी गई है, वो हम पेश करते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं जैसे मैंने आपकी वो गांधी, तो मैंने आपकी आखिरी जो आपका प्रोग्राम सुना वो मैंने गांधी ही सुना था, और वाकई में जो खाका आपने खींचा था पूरे हिंदुस्तान की जंगे आजादी का, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था जवाहर कला केंद्र के अंदर। मेरे ख्याल से 3-4 महीने पुरानी बात है, ज्यादा जी पुरानी जी बात बिल्कुल नहीं है। जी, ज्यादा पढ़ आपको क्या स्कोप दिखाई देता है जब आप बात निकली है, ये मेरे क्वेश्चन आयर में नहीं था, लेकिन अब जो आपने यंगस्टर्स के साथ में काम किया है, आपने उनके इंटरेस्ट का आइडिया लिया है, एक बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट पे आपने काम किया, तो आपको क्या पॉसिबिलिटीज लगती है, अब यंग जनरेशन हाउ दे आर टेकिंग इट? इसका जवाब मैं ये दूंगी। काफी बार लोगों को लगता है कि यार यंग जनरेशन है फौजिया, मतलब ये तो नहीं इंटरेस्ट लेंगे दास्तान गोई में। इसका जवाब ये है कि अशोका यूनिवर्सिटी, जिससे हम सब वाकिफ हैं, वहां पे मैंने पूरे एक सेमेस्टर दास्तान गोई का पेपर पढ़ाया है, जिसमें मेरी क्लास में कम से कम 20 बच्चे थे, और पूरे 3 महीने मैंने उनके साथ काम किया है। देखिए, दास्तान को मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैंने ऐसे दास्तान को उन्हें ट्रेंड किया है, क्योंकि दास्तान को बनने के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, लोगों को लगता है यार सफेद कपड़े पहनो, कहानी याद करो, टोपी लगाओ और सफेद, लड़कियां सफेद कपड़े पहने और चढ़ जाए स्टेज के ऊपर और दास्तान को हो जाएगा। मैं कहती हूँ नहीं, दास्तान को बनने के लिए आपको बाकायदा आपकी तालीम होनी बहुत जरूरी है, आपकी आपकी मश्क होनी जरूरी है। जैसे क्लासिकल सिंगर्स होते हैं ना, उसी तरह से रियाज जरूरी है। क्लासिकल सिंगर जो है रातों रात नहीं बनते, ये हम सब जानते हैं, वो उनमें मेहनत लगती है, 4 साल, 1 साल, 2 साल, मतलब सालों की। मेरी एक दोस्त है जिनके साथ मैंने, डॉक्टर रिंकू लांबा के साथ जो मैंने राधा कृष्ण ध्रुपद के साथ मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया, तो वो पिछले 11 साल से ध्रुपद सीख रही है, सोचिए, और वो अभी तक जी जी सीख बिल्कुल रही है। तो मैं भी ऐसे बिल्कुल दास्तान गो, मैं भी अभी सीख रही हूँ। तो यंग जनरेशन को जब मैंने उनके साथ काम किया, मैं वापस उस सवाल पर आती हूँ अशोका यूनिवर्सिटी में, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि वो दास्तान को बने, मगर उन्होंने इंटरेस्ट लिया। उनके साथ ऑब्वियसली बहुत सारी परेशानियां थी कि वो हिंदी तक नहीं पढ़ पा रहे थे वो बच्चे, तो हमने उन्हें जो हमारी जो स्क्रिप्ट थी वो हमने उन्हें उसमें दी, रोमन इंग्लिश में करके दी। हाँ, तो वो हमने वो काम किया। और खास तौर से मैं काफी स्कूल्स के साथ काम कर रही हूँ, वो भी अशोका यूनिवर्सिटी के बच्चे बड़े हैं, मैंने जामिया यूनिवर्सिटी में भी एक पेपर पढ़ाया है, वो भी बड़े हैं,
और बहुत ही कामयाबी के साथ और इतना इंटरेस्ट से मेरे पास इतनी इंक्वायरीज आती हैं कि आप नेक्स्ट वर्कशॉप कब कर रही हैं, आप नेक्स्ट वर्कशॉप कब कर रही हैं, हम आना चाहते हैं, हम सीखना चाहते हैं। तो वो सवाल तो मुझे लगता है कि नहीं है कि ये जनरेशन इंटरेस्ट नहीं ली, उसको तो मैं पूरी तरह रिजेक्ट करती हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अगर यंग जनरेशन जिस चीज को लेके आगे बढ़ रही है तो उसका मुस्तकबिल तो हमेशा अच्छा होगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अब मैं थोड़ा सा अपना एक जाती सवाल पे आता हूँ इसके अंदर, क्योंकि बीइंग एन इवेंट प्रोफेशनल मुझे ऐसा लगता है कि दास्तान गोई के अंदर बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है, लेकिन हम इसके अंदर क्या ऐसी चीजें कर सकते हैं फौजिया जिससे कि हम इसे इसका ड्यू क्रेडिट इन टर्म्स ऑफ इवेंट दिला सकें। वैसे तो हम कौन है क्या दिला सकते हैं, लेकिन फिर भी इन टर्म्स ऑफ इवेंट्स जो एक ड्यू क्रेडिट दास्तान गोई को मिलना चाहिए या जो ड्यू पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए, उसके लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए? अच्छा जी, मैं इसके लिए मैं काफी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। वैसे तो जितनी भी अभी मैं आपको बताऊँ, ये बहुत ही हमें लोगों ने शादियों में परफॉर्म करवाया है। सोचिए, जब शादी में लोग कहते हैं कि भाई हाँ, आगे संगीत से पहले हम एक दास्तान गोई नाइट रखेंगे, तो ऐसे इवेंट मैनेजर, तो हमने कहा अरे शादी हो रही है, नहीं, लेकिन मेरी मेरी मतलब हम चाहते हैं कि एक थोड़ा सा हेरिटेज हो, तो वो लोग कर रहे हैं। मुझे काफी डिजाइनर के साथ मैंने काम किया है, फैशन डिजाइनर हैं जो, हाँ, जब उनकी रैंप वॉक्स होती हैं तो उसमें वो दास्तान गोई का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि हम जब हम इसको म्यूजिकल कर देते हैं, जैसे मैं गजल का सफर करती हूँ राधिका चोपड़ा के साथ, मैं राधा कृष्ण करती हूँ, मैंने काफी अलग अलग आर्टिस्ट के साथ इसको एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने कथक के साथ किया है, मैंने म्यूजिक के साथ किया है, मैंने सूफी म्यूजिक के साथ किया है, मेरी एक प्रोडक्शन है जो कव्वाली के साथ है, तो इसका फ्यूजन भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसकी ऑडियंस को हम बढ़ाएं। हाँ, तो एज ए इवेंट मैनेजर आप ये कर सकते हैं। लोगों ने बिल्कुल, हमें लोहड़ी पे हमें परफॉर्म करवाया, हमने कहा लोहड़ी पे तो लोग ढोलक बजा के डांस करते हैं, हमने कहा नहीं, हम वो डांस बाद में करेंगे, पहले आपकी दास्तान गोई होगी। वुमेन्स क्लब में लोग हमें बुला रहे हैं, जो क्लब्स होते हैं वुमेन्स के, जब वो एक्टिविटीज करती हैं उसमें लोग हमें बुला रहे हैं, कॉर्पोरेट हाउस में लोग हमें बुला रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं, हम चाहते हैं कि इसको लोग एज ए, काफी बार लोग मुझे बोलते हैं फौजिया दास्तान गोई हमारे लिए एक मेडिटेशन की तरह है, जब हम दास्तान गोई सुनते हैं तो हमें ट्रांस में जाते हैं, वहां पर हम लोगों से डिस्कनेक्ट होते हैं और सिर्फ अपने आप से मिलते हैं। तो ये किसका एक बहुत अहम पोटेंशियल है, एक स्ट्रेस बस्टर की तरह लोग इसे ले रहे हैं। बहुत बढ़िया। मतलब मुझे जो जिन कोशिश के लिए मैं बात कर रहा था वो ऑलरेडी मेरी इंडस्ट्री के कुछ साथी ही या हमारे कुछ क्लाइंट्स ही उन लोगों ने उसको चालू कर दिया, क्योंकि मुझे खुद को एक जाती हमेशा अफसोस रहा है कि मैंने कई बार दास्तान गोई प्रपोज की है अपने इवेंट्स में, कॉरपोरेट इवेंट्स के अंदर कई बार, लेकिन एक दो बार को छोड़ के ज्यादातर बार मुझे बहुत वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जिसकी मुझे उम्मीद थी। जी आइंदा चलिए, अब आप मुझे ये बताइए कि हम दास्तान गोई को अगर छोटे बच्चों की कहानियों से अगर हम जोड़ते हैं तो क्या ऐसी कुछ कहानियां या ऐसी चीजें हैं जो छोटी छोटी 15 15 20 20 मिनट आधे घंटे, क्योंकि छोटे बच्चों में पेशेंस नहीं होता बहुत ज्यादा, तो उनको मेरा कनेक्ट जो करने का क्या जरिया है? मेरा जो पोइट्री बेस्ड काम है अर्षद जी, वो सारा काम, आप 15 मिनट की कहानी कह रहे हैं, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट की कहानी भी है, 5 मिनट की चार कहानी साल तो हम सुनेंगे के अभी, 5 मिनट की कहानी तो हम सुनेंगे फिर बच्चे अभी। तो चार साल के बच्चों के लिए भी है, पोइट्री बेस्ड काम है, जी, और मतलब ऐसा नहीं है कि 15 मिनट की कहानी तो, और हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं, और मैं खास तौर से दास्तान गोई को बच्चों के लिए मैं पोइट्री में लेकर आ रही हूँ, मतलब मेरी वो पूरी कहानी पोइट्री में होती है, उसमें से थोड़ा सा मैं अपने अपने आप को ही इस्तेमाल कर लेती हूँ, थोड़ा सा रिदम ले आती हूँ, तो वो छोटी सी कोशिश है जी और वो बहुत हिट है जी बच्चों में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमारी बहुत सारी आपको शुभकामनाएं हैं, और हम ये चाहते हैं कि दास्तान गोई का जो फन है ये पूरी दुनिया में आप इसका परचम लहराएं, और बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके हमारे को, और जी अगर आप मुनासिब समझे तो 5 मिनट वाली एक कहानी अगर आप सुना सकें तो ठीक है, हमारे जी लोगों को अच्छा लगेगा। जी मैं एक कहानी है जो कि पाइप पाइपर, जो कि हम सबने सुनी है, बांसुरी वाला जो जी चूहे लेके चला जाता है, सब सब जानते हैं जी उस जी कहानी को। उस कहानी को सफदर हाशमी ने लिखा है।
बहुत ही उम्दा तरीके से। हाँ तो वो मैं सुना देती हूँ। तो बात है 700 साल पुरानी, सुनो ध्यान से प्यारे। हेमलिन नामक एक शहर था वीजर नदी किनारे। यूं तो शहर बहुत सुंदर था, हेमलिन था जिसका नाम, पर वहां के लोगों का हो गया था चैन हराम, क्योंकि इतने चूहे गिनती हो गई मुश्किल। अरे जहां भी देखो जिधर भी देखो करते दिखते किल बिल। बाहर चूहे घर में चूहे, बाहर चूहे घर में चूहे, दरवाजे और दर में चूहे, खिड़की और आलों में चूहे, थालों और प्यालों में चूहे, ट्रंक में और संदूक में चूहे, फौजी की बंदूक में चूहे, अफसर की दाढ़ी में चूहे, नौकर की दाढ़ी में चूहे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जिधर भी देखो चूहे, आगे पीछे ऊपर नीचे जिधर भी देखो चूहे, चूहे भी वो ऐसे चूहे बिल्ली को खा जाएं, कुत्ते उनसे डर कर भागे, चीले जान बचाएं। तो चूहों से घबराकर राजा ने किया ऐलान कि जो इनसे पीछा छुड़ाए वो पाए ढेर सारा इनाम। तो सुनकर ये ऐलान वहां पर पहुंचा एक मदारी, मस पलंदर नाम था उसका, मुंह पर लंबी दाढ़ी। तो यहां तक मैं ये कहानी सुनाती हूँ और आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा जब हम इसका पूरा वीडियो रिलीज करेंगे। तो ये है वो काम जो जो पाइट पाइपर की कहानी के साथ, और इस तरह के काफी काम है जो हम कर रहे हैं इस वक्त। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत उमदा। ये कहानी हमारी सुनी हुई है, तो आपने जिस जी तरीके से सुनाई बहुत दिलचस्प थी ये। और कोरोना के इस दौर के अंदर जब सब लोग हम अपने घरों में बंद हैं, तो आप सुनने जी वालों से क्या कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूंगी कि उम्मीद पे बचपन से हमें ये सिखाया गया है, उम्मीद पे दुनिया कायम है और हमें हार नहीं माननी है। हाँ ये लड़ाई हम सबको मिलके लड़नी है और अपने घरों में बंद रह के। सबसे ज्यादा इस वक्त ये वो वक्त है जब हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ना है, जब हमें एक दूसरे के साथ खड़ा होना है। हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते, एक दूसरे के साथ खड़ा होने का मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे से मिलें, लेकिन इमोशनली इमोशनली हमें एक दूसरे के साथ रहना है और जितनी मदद हम एक दूसरे की कर पाए वो करना है। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हम सब दुनिया में एक मिसाल की तरह उभरेंगे कि देखो इंडिया ने इस वबा के साथ कैसे मिलके इससे लड़ाई हासिल की है, इस पे जीत हासिल की है, और हमारा हौसला औरों के लिए भी एक मिसाल बनेगा, मुझे ये उम्मीद है। और यही वजह है कि आज हम सब देखिए इतनी परेशानी का वक्त है, लेकिन हम सब ऑनलाइन हैं, हम सब लोग ये काम कर रहे हैं, सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, और हम खुश नसीब है कि हमारे पास इंटरनेट की ये सुविधा है। सोचिए अगर उस जमाने में जब इंटरनेट नहीं था, 80s की बात, अगर तब ये वबा आती तो हम क्या करते। तो सही कह रहे हैं। हमारे पास बहुत आसाइशें हैं, हमें उसके लिए बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। हम अभी भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ऐसे मैं यहाँ दिल्ली में हूँ लेकिन तब भी मैं जयपुर में लोगों से बात कर पा रही हूँ। तो ये बहुत पॉजिटिव चीजें हैं हमारे लिए। और आज हमारे पास एक ऑप्शन है घर से काम करने का। सोचिए एक बिल्कुल जमाना था ये बिल्कुल ऑप्शन लोगों के पास नहीं था, तो उन लोगों के बिल्कुल बारे में सोचिए जिनको पास ये ऑप्शन नहीं है घर से काम करने का, और उनकी मदद करिए और बस हौसला बरकरार रखिए। तो दोस्तों, मैं खात्मे पे फौजिया का एक बहुत ही पॉजिटिव नोट जो पाया है कि हिंदुस्तान ने हमेशा मिसाल कायम की, और हम इस COVID-19 के चैलेंज में भी पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल कायम करेंगे। और आइंदा आने वाले कई सालों तक फौजिया की दास्तानें सुनेंगे और इनके नाम को इंशाल्लाह यूं ही बड़ा लगता होगा देखेंगे। बहुत बहुत आमीन। शुक्रिया बात करने के लिए फौजिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सिटी लाइफ। थैंक यू।